लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको सही लगता है ये चुनाव आपके लिए विरोध करते हैं? आप सबका पहले नंबर स्वागत करते हैं। कठिनता तो है ही जीवन का, बस कहीं आपको कठिनता। मैडम सामने देखेंगे, देखिए बोलिए कैमरे में। हम उसको स्वीकार करेंगे चुनौती को, हनुमान जी के साथ रह रहे थे मैं पिछले 30 सालों से, कदम से कदम मिलाकर सक्रिय रही हूँ, तो मैं कोई नई नहीं समझती अपने आप को। मैडम एक ये प्रश्न था, पूरे प्रदेश में डिस्ट्रीटेड डिग्रेस हो सकती है, उसको एकदम आखिरी में जाकर हुआ और शख्स इस तरह का महंत जी से ही कहा जा रहा था आप भी लड़ें, उसमें कितनी सच्चाई हुआ? सच्चाई है इसमें, महंत जी से कहा जा रहा था लेकिन महंत जी ने मना कर दिया था। इसके पीछे क्या कारण माना जाए? इसके पीछे बस यही कारण है कि वो पिछले चुनाव में अपने गृह ग्राम क्षेत्र सख्ती से लड़े और उन जनता के बीच में जो उन्होंने विश्वास लिया उनको फिर से पहुँचाना और उनका इस क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए वो काम करना चाहते हैं। मैडम आपने आप पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है लेकिन अजीत जोगी जी ने ऐलान किया है कोरबा से चुनाव लड़ने का, कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं और क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है जोगी जी के खिलाफ आप वहां पर उतर सकते हैं मैदान में? देखिए ऐसा है, वो हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई, मैं उनको मानती हूं। सामने जो भी होगा देखा जाएगा, परिस्थिति के अनुसार उसका सामना। नहीं लेकिन चूंकि उनके पास में काफी लंबा अनुभव है एक्सपीरियंस राजनीति का, आप कह रहे हैं महिला है लेकिन आपके पास भी अनुभव है, कितना बड़ा चैलेंज के तौर पर ले रही है इसको? बड़े हैं और अनुभवी भी हैं, चैलेंज तो है, सामना तो करेंगे। मान जी मेरे साथ हैं, मुझे डर नहीं है। और कोरबा की जनता, मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो मेरे साथ। वहाँ महिला वोटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है कोरबा लोकसभा सीट में, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो महिलाओं को आप रिझा पाने में कामयाब हो सकती हैं? महिलाओं के लिए महिला बहुत अच्छा काम कर सकती है और मैं हमेशा उनके बीच में आई गई हूँ, तो मुझे मालूम है कि उनकी कोरबा क्षेत्र बहुमूल्य क्षेत्र है तो उनके लिए किस तरह से आप काम करेंगे वहाँ के लोगों के लिए? बहुमूल्य क्षेत्र है और उसको और बहुमूल्य बनाना, ये मेरी कामना। जब बीजेपी ने आरोप लगाया, परिवारवाद का आरोप लगाया है बीजेपी ने, इसे किस रूप में देखे? क्योंकि पति के बाद अब पत्नी को टिकट दिया जा रहा है, इसको लेकर देखिए आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं एक साधारण महिला हूँ, गृहिणी हूँ, मुझे आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, कृष करण जी, दुनिया जी और अपने प्रियस बाबा जी, इन लोगों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और मुझे उपयुक्त समझा है, तो उनकी आज्ञा के अनुसार।